क्या आप जानते हैं कुछ दवाएं बीच में लाइन क्यों होती है? आज के समय में अनियमित खानपान, अनियमित सोने कारण हमें कई बीमारियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके कारण हर किसी को कभी ना कभी दवाओं की जरूरत पड़ती है और हमें दवाएं और डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ता है। वैसे तो प्रत्येक दवाएं अलग अलग होती हैं, अलग रंग अलग प्रकार अपना असर होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि दवाइयों की कुछ टेबलेट पर बीच में से एक सीधी लाइन बनी होती है जबकि कुछ टेबलेट पर वो लाइन नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दवाओं पर ये सीधी लाइन क्यों होती है? इसका एक कारण है, तो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, बने रहिए एंड वीडियो के एंड तक। दरअसल कुछ दवाओं पर दी हुई सीधी लाइन को डिबॉस लाइन कहा जाता है, जो लाइन आमतौर पर हाई पावर की दवाओं पर देखने को मिलती है ताकि इसे बीच में से तोड़कर पूरी टेबलेट की आधी खुराक ली जा सके। एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास 500 mg की एक गोली है और डॉक्टर के अनुसार आपको खुराक में से 250 mg दवा लेनी है, तो आप उस टेबलेट को बीच में से तोड़कर आधा ले सकते हैं। एक खास बात यह भी है कि सभी दवाइयां ऐसे बीच में से तोड़कर हाफ डोज में नहीं ले सकते। केवल वही दवाइयां बीच में से तोड़कर ले सकते हैं जिन पर डिबॉस लाइन हो, और जिन दवाओं पर ये लाइन ना हो उन्हें कभी भी आधा तोड़कर नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।